हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंह स्टडी सेंटर। टुडे अवर टॉपिक ऑन OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल के ऊपर ये हमारा सेकंड पार्ट है। पार्ट वन में हमने जाना था कि OSI रेफरेंस मॉडल क्या है, और एक स्टोरी के माध्यम से समझा था कि डिफरेंट लेयर ऑफ OSI मॉडल क्या क्या काम करती है। वीडियो शुरू करने से पहले हम जो कल टॉपिक पढ़ा था उसको रिवाइज कर लूंगा, क्योंकि काफी कुछ ऐसा है जो आज की वीडियो में फिर से रिवाइज होने वाला है वो, तो इसलिए हम कल का जो वीडियो था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहीं से चेक भी कर सकते हैं। ओके, रिवाइज कर लेते हैं कि वो OSI रेफरेंस मॉडल क्या है। OSI रेफरेंस मॉडल क्या बोलते हैं कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। दिस मॉडल अलाउ मेनी डिफरेंट सिस्टम टू कम्युनिकेट रिगार्डलेसली ऑफ देयर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। ये डिफरेंट सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इसको यूज किया था, इसका नाम ही ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम इंटरनेशनल मतलब कि ओपनली आप किसी से कोई सिस्टम जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर आर्किटेक्चर। देयरफॉर OSI रेफरेंस मॉडल अलाउ ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम विदाउट रिक्वायरिंग चेंज टू द लॉजिक ऑफ द अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंजिंग किए बिना हम दो सिस्टम जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं OSI मॉडल। द मॉडल लॉजिकली ग्रुप द फंक्शन एंड सेट रूल कॉल्ड प्रोटोकॉल नेसेसरी टू एस्टेब्लिश एंड कंडक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। द मॉडल कंसिस्ट ऑफ सेवन फंक्शंस ऑफ्टन रेफर टू एज ए लेयर। फर्स्टली हम देखा कि जब OSI रेफरेंस मॉडल जब नहीं आया था तो पहले कैसे कम्युनिकेशन होता था। जो जिस कंपनी ने मॉडल तैयार किया, कोई सिस्टम ने कोई मॉडल कोई सिस्टम तैयार किया, तो उस सिस्टम से अगर मान लीजिए कि मैकबुक ने कोई अपना एक सिस्टम निकाला, तो उस समय क्या था, जो मैकबुक लगा ले या आप बोलो एचपी का कोई भी है सिस्टम है, वो सिस्टम क्या हुआ एचपी का साथ ही कम्युनिकेट कर सकता था, क्योंकि उन्होंने एक आपस में कम्युनिकेशन ही कर सकता था। और OSI मॉडल के आने के बाद कोई ISO ने क्या किया कि एक नेटवर्क प्रोटोकॉल दे दिया सभी को कि ये प्रोटोकॉल सभी को फॉलो करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। उन्होंने ये OSI मॉडल को 1984 में लॉन्च किया। आइए देख लेते हैं आगे कि OSI की डिफरेंट लेयर का क्या क्या काम है। सेवन लेयर ऑफ OSI क्या है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ट्रांसमिटिंग के टाइम एप्लीकेशन लेयर इज द फर्स्ट लेयर। तो ट्रांसमिटिंग एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। और रिसीविंग एंड पे फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर इज द लास्ट लेयर। तो ये लेयर अभी थोड़ा सी जल्दी इसको समझ लेते हैं कि इन लेयर के बारे में हमने क्या क्या जाना था। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम था, प्रोवाइड इंटरफेस टू द यूजर। एक यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, लाइक HTTP, आपका ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आप कुछ भी मान लीजिए, तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है आपको कम्युनिकेट करने के लिए। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम था, ये कन्वर्ट करता था जिस लैंग्वेज में रिसीवर समझना चाहता है उस लैंग्वेज में रिसीवर को सेंड करेगा, प्रेजेंटेशन कन्वर्ट करेगा। एप्लीकेशन मान लेयर मान लो इंग्लिश समझता है, तो इंग्लिश में कोई लैंग्वेज कुछ कोई वर्ड जो है कुछ जो फाइल है वो पे भेजी अपने पास रिसीवर के लिए। रिसीवर क्या समझता है, फ्रेंच समझता है, रशियन समझता है, कुछ भी समझ ला, तो वो अगर रशियन समझता है तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, उसको रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद इसने इसको इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया उसके बाद, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन लेयर पे रिसीविंग एंड पे प्रेजेंटेशन लेयर इसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट कर देगा। सेशन लेयर का क्या काम होता है कि बिगनिंग से लेके एंड तक मैसेज आपकी फाइल चलेगी और एंड तक का आप जब तक आपको फाइल सेशन लेयर तक नहीं पहुंचती रिसीविंग एंड पे, तब तक वो दोनों क्या गया आपस में एक कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश करके रखेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम था, जो पैकेट यहाँ से आया था उसको उसने क्या किया, सेगमेंट में छोटे छोटे सेगमेंट में उसने कन्वर्ट कर दिया, और रिसीविंग एंड तक जब तक उसको उसमें एरर डिटेक्शन करेगा और रिसीविंग कनेक्शन विद रिसीविंग फॉर एरर फ्री डाटा एंड एक्नॉलेजमेंट। और नेटवर्क लेयर का क्या काम था, इसका नाम ये तो थर्ड लेयर है जिसमें हम राउटर वगैरह को पढ़ते पढ़ा था हमने,
तो राउटर का क्या काम था, ये आईपी एड्रेस पे काम करता था। तो ये क्या करता है, जो पैकेट ट्रांसपोर्ट लेयर से पहुंचे मिला है इसको, उस पर क्या गया फ्रॉम और टू, उसमें आईपी एड्रेस इसमें ऐड करेगा, तो यहाँ से आया और कहाँ से कहाँ डेस्टिनेशन के लिए जा रहा है वो इसमें ऐड करेगा, और इसको क्या करेगा आगे और रूट करके आगे भेजेगा डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का क्या काम है, फ्रेम द पैकेट, जो पैकेट आया था यहाँ से उसको उसने फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, और इसको इसमें क्या किया ऐड किया गया मैक एड्रेस, क्योंकि डाटा लिंक लेयर का क्या स्विच, जैसे स्विच है हमारा जो डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, तो स्विच का क्या काम था, ये मैक एड्रेस पे काम करता था। तो मैक एड्रेस में क्या काम है हमारा, फिजिकल एड्रेस इसमें ऐड होता है। तो उसने क्या किया, जैसे नेटवर्क आईडी तो मिल गई जहां से, आईपी एड्रेस तो मिल गया, पर उस आईपी के कौन से कंप्यूटर के साथ वो जो सिस्टम है जिसको जिसको उन्होंने डाटा भेजना है उसके लिए उसको इसने इसने क्या किया, फिजिकल एड्रेस जो है ऐड कर दिया। और फिजिकल एड्रेस ऐड कर दिया तो फिजिकल, फिर उसने फिजिकल लेयर के दिया, फिजिकल लेयर का क्या काम है, कन्वर्ट द बिट इंटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। इसने यहाँ से जो आया था जो डाटा आया था उसको बिट में कन्वर्ट, बिट में इस बार डाटा आया, इसने क्या किया इसी डाटा को सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, एंड मैनेज द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क मीडियम। प्रो फिजिकल मीडिया, आप मान सकते कोएक्सल केबल होगी या आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी, उसके थ्रू वो रिसीविंग एंड तक पहुंचता है, और रिसीविंग एंड पे सेम वही फिजिकल लेयर पहले फर्स्टली रिसीव करेगी, और फिजिकल लेयर क्या करेगी उसको जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आया था उसको बिट में कन्वर्ट करेगी, बिट में कन्वर्ट करने के बाद डाटा लिंक लेयर को दे देगी। डाटा लिंक क्या लेयर क्या करेगा, वहां क्या किया था उसने फ्रेम में लगाया था, यहाँ क्या करेगा उसके फ्रेम हटा देगा, और फिर उसके बाद वो नेटवर्क लेयर को दे देगा। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, नेटवर्क लेयर क्या करेगा, जब तक नेटवर्क जहां उस देखेगा फ्रॉम टू ये मेरे लिए हैवी है नहीं है, तो उस एड्रेस का आईपी एड्रेस देखेगा, वो आईपी एड्रेस देखने के बाद उसको क्या करेगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगा। जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा वो क्या करेगा, इसमें सेगमेंटेशन में वहां सेगमेंटेशन की थी, यहाँ ये कंबाइन कर देगा उसको, और कंबाइन करने के बाद जो उसमें उसने वो लगाया था एरर डिटेक्शन था, इसमें एरर चेकिंग करेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर नहीं है तो ये अक्नॉलेजमेंट दे देगा दूसरे एंड की जो ट्रांसमीटर एंड की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको अक्नॉलेजमेंट दे देगा कि आपका डाटा बिल्कुल करेक्टली मिल गया मुझे। सेशन लेयर के पास जैसे ही आएगा, सेशन लेयर और दूसरे ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो सेशन लेयर था दोनों दोनों के आपस में एक एस्टेब्लिश कनेक्शन था, उन दोनों के कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद हो गया कि डाटा जो है मुझे सही सही से मिल गया, तो क्या करेगा दोनों का कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, जहाँ पे सेशन लेयर का यहीं तक काम था। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर का, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, अगर फॉर्मेट उसके उसके मुताबिक है जो उस मुताबिक वो यूजर जो है वो रीड करना चाहता है तो उसको उसी मुताबिक वो उसको कन्वर्ट करके एप्लीकेशन लेयर में दे देगा, और एप्लीकेशन लेयर क्या है एज ए इंटरफेयर फेस फॉर यूजर। अब आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन ये हर लेयर जो है क्या कैसे काम करती है। फर्स्टली आ गई एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर में हमने क्या देखा था कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, अभी देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर सर्व एज अ विंडो फॉर यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोसेसर टू असेस नेटवर्क सर्विस। एप्लीकेशन लेयर मेक्स द इंटरफेस बिटवीन द प्रोग्राम दैट इज सेंडिंग आर रिसीविंग डाटा एंड द प्रोटोकॉल स्टैक। फाइल कौन कौन सी है, फाइल सर्विस कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस मैं आपको बताया था, नेटवर्क प्रिंटिंग सर्विस है, एप्लीकेशन सर्विस है, डाटा सर्विस है, एज अ मेन एप्लीकेशन लेयर सर्विस वाइडली यूज्ड। एप्लीकेशन लेयर कंटेन ए वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल दैट के आर कॉमनली यूज्ड, कॉमनली रिक्वायर्ड, लाइक एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डीएचसीपी एंड डोमेन एंड सर्वर एक्स्ट्रा। ये एप्लीकेशन लेयर का एक इंटरफेस का काम करती है एज ए इंटरफेस। अब नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर इज लेयर वेयर डाटा कन्वर्शन फ्रॉम आस्की टू ईवीसी डीआईसी, फ्लोटिंग पॉइंट टू बाइनरी एक्स्ट्रा, एंड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर परफॉर्म्ड। इसमें क्या करता है आपको आस्की, जैसा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टू एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोडेड, इसमें कन्वर्ट करके देता है आपको। मैंने आपको बताया जिस फॉर्मेट में यूजर रिसीविंग एंड पे चाहता है उस एंड पे उसी को प्रेजेंटेशन लेकर के उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रेजेंट करती है। इसमें तीन फंक्शन होते हैं, प्रेजेंटेशन कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन में क्या आ गया आपका कन्वर्शन फ्रॉम आस्की टू ए ईबीसी डीआईसी, और कंप्रेशन में क्या होगा इसको रिड्यूस करता है नंबर ऑफ बिट्स के लिए कि इसके बिट कम से कम हो। इंक्रिप्शन क्या करेगा, ट्रांसमीटर एंड पे इंक्रिप्ट करेगा और रिसीविंग एंड पे डिक्रिप्ट करेगा।
डाटा इंक्रिप्शन, इनक्रिप्ट डाटा फॉर सिक्योरिटी पर्पस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या थी हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर का क्या काम था? एस्टेब्लिश कनेक्शन, मेंटेनिंग द सेशन एंड एंडिंग द सेशन। तीन काम था। स्टार्टिंग में उसने क्या किया, एस्टेब्लिश कनेक्शन किया दूसरे रिसीवर एंड के सेशन लेयर के साथ, और जब तक डाटा नहीं मिलेगा तब तक वो उसको उसके साथ कनेक्शन को मेंटेन करके रखेगा, और जब मिलने के बाद उसके बाद क्या करेगा, एंड द कनेक्शन। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें क्या। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द सेशन बिटवीन द डिवाइस, बिगनिंग मेंटेनिंग एंड फिनिशिंग। ठीक, इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर ऑर्डरली कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस बाय रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ डाटा। द मेजर सर्विस प्रोवाइडर बाय सेशन लेयर आर एस्टेब्लिश कलेक्शन, मेंटेनिंग द सेशन एंड एंडिंग द सेशन, एंड डायल कंट्रोल डिटरमाइन विच डिवाइस विल कम्युनिकेट फर्स्ट एंड द अमाउंट ऑफ डाटा दैट विल बी सेंट, एंड सेशन सपोर्ट दैट अलाउ दिस प्रोसेस टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क, परफॉर्मिंग सिक्योरिटी, नेम रिकॉग्निशन एंड लॉजिंग एंड सो ऑन। आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर आल्सो कॉल्ड एंड टू एंड लेयर मैनेज एंड टू एंड सोर्स टू डेस्टिनेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या काम था, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता था, सेगमेंटेशन करता था, कनेक्शन विद रिसीविंग फॉर एरर फ्री डाटा और एक्नॉलेजमेंट देता था, जो रिसीवर एंड वाला वो एक्नॉलेजमेंट देता था ट्रांसमीटर को। अब इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो कॉल्ड एंड टू एंड लेयर मैनेज एंड टू एंड सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी इन ए मैसेज। एक्नॉलेजमेंट वाला आ गया, प्रोवाइड द एरर चेकिंग एंड हेंस गारंटी दैट नो डुप्लीकेशन और एरर आर ऑकरिंग इन द डाटा ट्रांसफर अक्रॉस नेटवर्क। एरर का भी आ गया कि एरर की चेकिंग करता है, जब तक अगर एरर कर कोई डाटा चला जाता है तो ट्रांसमीटर एंड पे चेक कर लेता है कि इसमें एरर तो नहीं है, और अगर नहीं है तो रिसीवर एंड पे, रिसीवर एंड पे चेक करके फिर बताएगा आपको, अक्नॉलेजमेंट देगा कि मुझे करेक्टली मिल गया नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर और आल्सो प्रोवाइड द अक्नॉलेजमेंट ऑफ द सक्सेसफुल डाटा ट्रांसमिशन एंड री ट्रांसमिट द डाटा इफ एरर इज फाउंड। अगर उसमें एरर है तो रिसीवर एंड वाला बताएगा कि भाई इसमें एरर है, इसको दोबारा भेज, तो उसने क्या ट्रांसमिटर एंड वाला क्या करेगा, उस डाटा को दोबारा भेजेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर ब्रेक द मैसेज इनटू स्मॉल यूनिट, में बताया था सेगमेंटेशन का इसका काम है कि स्मॉल स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करता है ताकि कोई भी डाटा जो है वो जल्दी चला जाए, और इसको क्या होगा कि क्या बोलते हैं सेगमेंटेशन में से क्या होगा कि कोई भी डाटा जो है मिसिंग नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें नंबरिंग, जैसे उसने 10 इनवेलप बनाए तो हर इनवेलप के ऊपर नंबर लिख देगा, जैसे इनवेलप 1, इनवेलप 2, इनवेलप 3, इनवेलप 4, तो कोई भी डाटा, कोई भी इनवेलप जो है मिसिंग नहीं हो सकता। मान लीजिए कि इनवेलप 7 मिसिंग हो गया तो क्या करेगा, जैसे रिसीविंग एंड पे मिलेगा उसको, वो लिखेगा कि A 1 to 10 तक मिल जाए तो एक्नॉलेजमेंट दे देना, पर उसको मिला कितना, 1 से 10 तो मिल गया पर मिसिंग है बीच में इनवेलप 7, तो इनवेलप 7 को के लिए वो मैसेज दे देगा कि मुझे इनवेलप 7 नहीं मिला, मुझे दोबारा भेजो। तो ये सब काम क्या है, किसका काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का है, एंड फ्लो कंट्रोल का भी ध्यान रखता है। ट्रांसपोर्ट द फंक्शन लेयर आर फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर आर एज फॉलो, सर्विंग पॉइंट एड्रेसिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इंक्लूड सर्विस पॉइंट एड्रेस विच इज पोर्ट एड्रेस, सेगमेंटेशन एंड रिसेंबलिंग। ए मैसेज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, ईच सेगमेंट कंटेन सीक्वेंस नंबर दैट द मैसेज इज रिसेंबल करेक्टली अपन अराइवल एट द डेस्टिनेशन। सीक्वेंस नंबर समझ गए आपके, मैसेज में बताया था इनवेलप नंबर 1, इनवेलप नंबर 2, ऐसे करके उसमें ऐड करेगा। कनेक्शन कंट्रोल, कनेक्शन कंट्रोल में दो आते हैं हमारे पास, एक कनेक्शन लेस आता है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड आता है। तो कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या फर्क है, कनेक्शन लेस क्या है, कनेक्शन लेस में क्या है कि हम क्या करेंगे विदाउट कनेक्शन, जैसे इसमें लिख दिया कि कनेक्शन लेस, तो उसमें कनेक्शन नहीं हम एस्टेब्लिश करेंगे रिसीवर एंड के ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ, उसमें हम क्या करेंगे सिर्फ हम डाटा भेज देंगे आगे ट्रांसपोर्ट लेयर के, उसको मिले या नहीं मिले उस पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो उस पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, वो सिर्फ डाटा भेज देती है, और चाहे डाटा में वो एरर हो या कुछ भी हो तो वो चेक नहीं करेगा, उसे उसको भेज देगा। एरर चेकिंग तो उसका काम है ही है, पर एरर होने के बाद भी, चेकिंग होने के बाद भी अगर उससे मिस्टेक होकर एरर चला भी जाता है तो वो रिसीविंग एंड पे वो उस पर ध्यान नहीं देगा कि भाई, उस रिसीवर भी नहीं ध्यान देगा कि उसने कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम किया, ताकि उसने उसने उसके साथ कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया, उसको जैसा मिला है वो वैसा ही रिसीव करेगा और आगे यूजर को दे देगा। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या गया, कनेक्शन वो ओरिएंटेड कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश करके रखेगा, जैसे मिलेगा उसको बहुत उसको एक्नॉलेजमेंट दे देगा ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमीटर को कि मुझे ये मिल गया।
फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल समझ गया, फ्लो कंट्रोल जैसे मान लीजिए कि ट्रांसमीटर लेयर जो है वो 10 Mbps पे स्पीड पे काम कर रही है, बट जो रिसीवर एंड की है वो है क्या, कितने पे स्पीड पे, 5 Mbps। तो ट्रांसमिट लेयर पे जो ट्रांसमीटर पे एंड पे है वो उसका उसकी स्पीड ज्यादा है, तो क्या करेगा, ज्यादा स्पीड रखेगा अपने डाटा को भेजने की, पर रिसीवर एंड वाले की 5 Mbps वो कम स्पीड है उसकी, हाफ हाफ स्पीड है उसे, तो क्या करेगा उसके पास डाटा जो है वो कोलिजन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अपना डाटा भेज नहीं पा रहा, जो ट्रांसमीटर जो है वो ज्यादा डाटा भेज पा रहा है तो रिसीवर एंड वाला भेज ही नहीं पा रहा, उसकी इतनी स्पीड नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है कोलिजन हो जाता है। उस कोलिजन को बचने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है, इसको फ्लो कंट्रोल का काम करती है, उस डाटा को वो ध्यान रखेगी कि ट्रांसपोर्ट ट्रांसमीटर एंड पे भी उतना डाटा ट्रांसफर हो और रिसीवर एंड वाला भी अपना डाटा भेज सके। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड टू टाइप ऑफ सर्विस, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। अब कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस क्या है, इन दिस टाइप द रिसीवर डिवाइस सेंड एन एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सोर्स आफ्टर पैकेट और ग्रुप ऑफ पैकेट इज रिसीव। जब उसके पास पैकेट पहुंच जाता है रिसीवर एंड के पास, तो ट्रांसमीटर लेयर को क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट दे देगा। इट इज मोर रिलायबल, रिलायबल तो है ये, कंसिडरेबली स्लो ट्रांसमिशन मेथड, क्योंकि स्लो ट्रांसमिशन क्यों बोलेंगे हम इसको, क्योंकि ये काम वहां जाएगा एक्नॉलेजमेंट आएगा तो इसमें टाइम लगेगा। इफ द डाटा दैट इज सेंड हैज प्रॉब्लम, द डेस्टिनेशन रिक्वेस्ट द सोर्स ऑफ सोर्स फॉर रिट्रांसमिटर बाय एक्नॉलेजिंग ओनली पैकेट दैट हैव बीन रिसीव्ड एंड आर रिकॉग्नाइजेबल। वंस द डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव ऑल ऑफ द डाटा नेसेसरी टू रिजेंबल द पैकेट, द ट्रांसपोर्ट लेयर रिजेंबल द डाटा इन द करेक्ट सिक्वेंस एंड देन पास इट टू द सेशन लेयर। और ओके और कनेक्शन लेस में क्या है, उसमें क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन द रिसीवर डज नॉट एक्नॉलेज रिसीप्ट ऑफ ए पैकेट, वो कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं देता। सेंडिंग डिवाइस अज्यूम दैट द पैकेट अराइव, वो सिर्फ अज्यूम करता है कि हमने जो पैकेट भेजा था वो रिसीवर एंड पे मिल गया। हिज अप्रोच अलो फॉर मच फास्टर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस, वो क्या करेगा उसके वो समझते उसमें उस एंड में क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा मैसेज जो है कम्युनिकेशन करने में जाए, पर उसमें कोलिजन बहुत होता है, क्योंकि रिसीवर एंड वाला भी भेजेगा जहां पे ट्रांसमीटर भी भेजेगा, दोनों में आपस में कोलिजन तो होगा ही, जहां से भी डाटा आ रहा है वहां से भी डाटा है, कोई फ्लो कंट्रोल नहीं, कोई कनेक्शन लेस नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है उन दोनों में, तो उस टाइम पे कोलिजन भी ज्यादा होता है। द ट्रेड ऑफ इज दैट कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन इज लेस रिलायबल देन कनेक्शन ओरिएंटेड यूज इन रियल टाइम कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्क लेयर आ गई। नेटवर्क लेयर का क्या काम था, इसने क्या किया था, उसमें लॉजिकल एड्रेस ऐड किया था और डिसाइड किया था रूट का, क्योंकि राउटर का इसमें नेटवर्क लेयर पे काम करता है, तो ये राउटर क्या करेगा इसमें रूट डिसाइड करेगा कि किस रूट से ये बेस्ट है, इसको जो जा सकता है जिसमें डाटा कोलिजन ना हो, डाटा की स्पीड अच्छी रहे, तो ये कौन डिसाइड करेगा, नेटवर्क लेयर। द मेन एम ऑफ दिस लेयर इज टू डिलीवर पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अक्रॉस मल्टीपल लिंक। मल्टीपल लिंक मतलब नेटवर्क, कौन से नेटवर्क से जाएगा। इट रूट द सिग्नल थ्रू डिफरेंट चैनल टू द अदर एंड एंड एक्ट एज ए नेटवर्क कंट्रोलर, रूट डिसाइड करेगा और नेटवर्क का कंट्रोल करके रखेगा। द नेटवर्क लेयर डिटरमाइन दैट हाउ डाटा ट्रांसमिट बिटवीन द नेटवर्क डिवाइस, और क्या करेगा लॉजिकल एड्रेस इसमें ऐड करेगा। द नेटवर्क लेयर डज द फॉलोइंग, ऐड द एड्रेस टू द पैकेट, पैकेट में कौन सा एड्रेस क्या ऐड करेगा इसमें नेटवर्क लेयर, इज द नेटवर्क क्यों आईपी एड्रेस काम करता है, और आईपी एड्रेस किसको बोलते हैं हम, लॉजिकल एड्रेस को बोलते हैं, तो उसमें कौन सा एड्रेस करेगा लॉजिकल एड्रेस। डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ फॉर द पैकेट, वो राउटिंग करेगा उसमें, राउटर का काम तो वही करता ही है नेटवर्क लेयर। इंश्योर दैट द पैकेट इज इन द करेक्ट फॉर्मेट फॉर द डेस्टिनेशन, और ये भी इंश्योर करेगा कि पैकेट जो है करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं है। ये राउटर यूज्ड टू डिटरमाइनिंग हाउ पैकेट आर राउटर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, राउटर जो राउटर का काम है वही नेटवर्क लेयर का काम है कि वो क्या काम करेगा, रूट करेगा और उसमें क्या करेगा आईपी एड्रेस फ्रॉम टू ऐड करेगा। अभी आ गई नेक्स्ट हमारी डाटा लिंक लेयर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल। डाटा लिंक लेयर में पहले फर्स्टली हम देख लेते हैं कि क्या काम था, पहले उसने क्या डाटा लिंक लेयर में क्या करता था, वो फ्रेम जो पैकेट आया था डाटा लिंक नेटवर्क लेयर से उसको फ्रेम में कन्वर्ट करता था, फ्रेम में लेने के बाद उसको क्या करेगा उसमें फिजिकल एड्रेस ऐड करेगा। फिजिकल एड्रेस क्यों ऐड करेगा, डाटा लिंक लेयर में कौन सी हमारा जो नेटवर्किंग डिवाइस यूज होता था, स्विच यूज होता था, और स्विच में क्या हो मैक एड्रेस पे काम करता है स्विच, तो मैक एड्रेस क्या हमारा फिजिकल एड्रेस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डाटा, इट रिसीव द डाटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड क्रिएट्स फ्रेम एंड एड फिजिकल एड्रेस टू दिस फ्रेम एंड पास देम टू द फिजिकल लेयर। समझ गया आप,
Data link layer provide error-free transfer of data frame from one node to another over the physical layer, allowing layer above it to assume virtually error-free transmission over the link. Error-free transfer के लिए भी काम आता है. Data link layer consists of two sub layer. First है logical link control sub layer, second medium access control sub layer. आगे जानते हैं कि logical link कंट्रोल सब लेयर क्या है और मीडियम एसेस कंट्रोल सब लेयर क्या है. लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर. लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द मीडियम एसेस मेथड एंड और किसके अंदर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल के अंदर सच एज इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज अ पार्ट ऑफ TCP/IP. लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर डिटरमाइन वेदर द कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी कनेक्शनलेस आर कनेक्शन ओरिएंटेड एट द डाटा लिंक लेयर. नेक्स्ट देखते हैं मीडियम एसेस कंट्रोल सब लेयर क्या है. मैक सब लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन टू फिजिकल मीडिया. ये क्या करता है फिजिकल मीडिया पर देखता है कि कौन सा है. एट द मैक सब लेयर ऑफ डाटा लिंक लेयर द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस कॉल्ड द मैक एड्रेस इज एडेड टू द पैकेट. सच ए पैकेट इज कॉल्ड फ्रेम दैट कंटेन ऑल द एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स डिवाइस टू डेस्टिनेशन डिवाइस. अब फिजिकल लेयर देखते हैं. फिजिकल लेयर क्या क्या काम था उसका. कन्वर्ट द बिट इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड मैनेज द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस. कन्वर्ट बिट इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल फॉर आउटगोइंग मैसेज एंड कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इनटू बिट फॉर इनकमिंग मैसेज. समझ गए. दिस लेयर मैनेज द इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क मीडियम. ये आपको उन्होंने बता दिया. दिस लेयर टेल्स द ड्राइवर सॉफ्टवेयर फॉर द मीडियम अटैचमेंट यूनिट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मॉडम एक्स्ट्रा व्हाट नीड टू बी सेंट अक्रॉस द मीडियम. द बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल. फिजिकल लेयर क्या है ट्रांसमिटिंग टाइम जो बॉटम लेयर लेयर ऑफ OSI मॉडल का काम करता है. ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. नेक्स्ट वीडियो में हम TCP/IP को लेके आएंगे. TCP/IP जो है OSI मॉडल से जो है लेटेस्ट वर्जन है. OSI मॉडल को हम रेफरेंस मॉडल बोलते हैं बट TCP/IP जो है वो इम्प्लीमेंटेड मॉडल है. ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि TCP/IP क्या है. जय हिंद जय भारत.